नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रिया और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए। कल पुलवामा हमले की पहली बरसी थी और इस दिन पूरा देश शहीद जवानों की शहादत को नमन कर रहा था, लेकिन वहीं जवानों की शहादत पर कांग्रेस के नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर सवाल दाग दिए, तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने शहीद सैनिकों पर विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले लोग अक्सर उच्च जाति के होते हैं और जिन सैनिकों ने मुख्य रूप से हमले में अपनी जान गंवाई है वो दलित, आदिवासी और पिछड़ी समुदाय से आते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हाशिए पर खड़े समुदाय को सत्ताधारी स्वर्णों की देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। इतना ही नहीं, उदित राज ने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों को सही ठहराया। पुलवामा हमले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, इसकी भी सिफारिश की। उदित राज ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने पुलवामा हमले को चुनावी मुद्दा बनाकर 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले एक और पुलवामा अटैक होगा क्योंकि उस वक्त चुनाव होंगे। ऐसे में उदित राज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर पुलवामा हमले पर 3 सवाल पूछे थे। उन्होंने सरकार से ये सवाल किए थे। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए पूछा कि आज जब हम पुलवामा के 40 शहीदों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए कि आखिर पुलवामा आतंकी हमले में किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आखिर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हुई जांच से क्या निकला। और तीसरा बड़ा सवाल ये था कि सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई है। तो ये सवाल राहुल गांधी ने कल सरकार से पूछे पुलवामा हमले की पहली बरसी पर। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अपना विवादित बयान दे दिया। इस पूरे बयान को लेकर काफी बहस भी छिड़ी हुई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा की है। उनका साफ कहना है कि गांधी परिवार कभी फायदे से आगे बढ़कर नहीं सोच सकता है। वहीं बात अगर कांग्रेस नेता उदित राज की जाए, तो उदित राज पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पूर्व सांसद रह चुके हैं। टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था और उदित राज एक दलित राजनीति के जाने माने चेहरे हैं, यानी अपने बयानों के लिए भी अक्सर जाने जाते हैं। लगातार उनके कई विवादित बयान सामने आए हैं और अब उन्होंने देश के जवानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर एक बार फिर से जो राजनीतिक बहस है वो छिड़ चुकी है। अब बात अगर कल राहुल गांधी के इन ट्वीट्स की जाए, तो इनको लेकर भी काफी बहस हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, तो वहीं अब उदित राज के इस ट्वीट ने एक नए राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।